हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज गंगा। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रही एक सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मंथली रिटर्न गारंटी देते हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ओपन किया है निफ्टी। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेड होगा तो मॉर्निंग में हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। तो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन का चेन अवेलेबल है। जैसे आपको जो स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो स्ट्राइक का सेपरेट चार्ट इसमें आपको मिलेगा। तो उसमें पहले क्या है कि उसमें एंट्री एक्सिट है, कौन से रेट पे हमें एंट्री लेना है, कौन से टारगेट पे एक्सिट करना है, वो सभी वही चार्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो फॉलो करना काफी सिंपल है। तो ये वीडियो थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिंपल ये फॉलो कैसे करना हमारा सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको आपको दिखाने जा रही वो लाइव ही है। तो आप ये सॉफ्टवेयर लाइव देखना चाहते हो तो कॉल कीजिए 9061973737। इसमें मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए तो व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए डायरेक्टली चैट पे आ जाएगा। तो ये वीडियो थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिंपल ये आप फॉलो कर सकते हो ऑप्शन में हमारा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर होगा तो जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हैं तो मॉर्निंग में हमें ये चार्ट ओपन, मेन हमारा जो अंडरलाइन एसेट है दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओपन करना है। तो उसके बेस में वो इसलिए हम फॉलो करते हैं। तो कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, इसलिए जानने के लिए हम मेन हमारा चार्ट फॉलो करते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमें मुझे यही स्ट्राइक फॉलो करना है, स्ट्राइक यही स्ट्राइक पे हमें मुझे ट्रेड करना, तो वो स्ट्राइक का चार्ट है, ऑप्शन चेन हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। जैसे मुझे 18,300 या 400 या 500 का कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना, तो वो चार्ट आपको सेपरेट यहाँ पे वो सेपरेट चार्ट अवेलेबल है। तो उसमें फायदा क्या है कि उसके अंदर ही आपको मिलेगा कौन से चार्ट पे कौन से प्राइस पे आपको बाय करना है, एक्सिट एंट्री एक्सिट लेवल स्टॉप लॉस अभी वही चार्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ओपन किया ना, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं मार्केट रेट 18,259, ये रियल टाइम मार्केट वैल्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट वर्टिकल लाइन डे सेपरेशन लाइन है, तो दैट मीन्स आज का मार्केट यहाँ से शुरू हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर की आप पैर बाई सिग्नल है, रेड डाउन आर सेल सिग्नल है, सिग्नल सभी ऑटोमेटिक है। जैसे सिग्नल आएगा आपको इंडिकेशन मिलेगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन के अंदर, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे आपको बाय करना है, वो क्या सेल होगा तो सेल करना है, वो प्राइस आपको मिलेगा। सेम डिटेल्स आप ऊपर भी देख सकते हैं। ये लास्ट वाला सिग्नल के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ। सेल सिग्नल में मिला था 18,303 एंड द टाइम इज 12:55 एंड डेट भी है और करंट पी एंड एल यहाँ पर लिखा है एंड स्टेटस में देख सकते हैं निफ्टी का जो टारगेट, दो टारगेट अचीव हो गया। तो हमें करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सेल सिग्नल आएगा तो आप इसका पुट ऑप्शन ले सकते हैं, वो इन द मनी पे लेना है या एट द मनी, सॉरी इन द मनी पे लेना है या एट द मनी पे लेना है, आउट ऑफ द मनी पे लेना है, ये डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स। आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगा तो बेटर है कि आप इन द मनी पे करेगा तो बेटर, क्योंकि इन द मनी पे हमें फास्ट प्रॉफिट आते हैं। लेकिन डिपेंड्स ऑन यू, अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो स्ट्राइक चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी चार्ट आप जो भी स्ट्राइक आप लेते हैं ना, मेन कंफर्मेशन वही चार्ट पे आपको मिलना चाहिए। दिखाती हूँ। तो 18,303 पे हमें निफ्टी में सेल कॉल आया था, दैट मीन्स पुट ऑप्शन बाय करने का हमें इंडिकेशन मिला था। 18,303 से आप इसका इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी लेना है, जैसे मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं यहाँ पे इन द मनी पे आपको दिखाती हूँ। इन द मनी पे होगा तो आप इसमें एक 100 to 200 points डिफरेंस में आप इन द मनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है 18,500 का पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन किया है मैंने। ये अभी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये 18,500 का पुट ऑप्शन का चार्ट है, आप देख सकते हैं। मेन कंफर्मेशन हमें इधर मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बाई सिग्नल दैट इज बाई एरो मिलना चाहिए, ग्रीन कलर के आप एरो बाई सिग्नल बाय आ रहा है वो मिलना चाहिए। उसके बाद हमें चेक करना है कि वेदर ये सिग्नल कंफर्म है या नहीं। कंफर्मेशन मीन्स ये बाय सिग्नल तो यहाँ पे मिला है। इसके बाद आपको कंफर्मेशन चेक करना है। फर्स्ट कंफर्मेशन सीधे नीचे देखिए, प्राइस यहाँ पे बाय जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्राइस इन बाय जोन। एंड सेकंड कंफर्मेशन एरो के नीचे जो बार है ना, बार का कलर ग्रीन में आना चाहिए। ओनली दो ही कंफर्मेशन चाहिए, ये एक्चुअली ऐसा भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जस्ट हमें जस्ट चेक करना है कि वेदर यहाँ पे आया नहीं। एंड डायरेक्ट आपका ट्रेडिंग, आपको ट्रेड करना होगा आपकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। आप देख सकते हैं 18,500 का
पुट ऑप्शन में 199.75 पे वही टाइम पे हमें बाई सिग्नल मिला था, राइट। यहाँ पे 199.75 सिग्नल कंफर्म होगा तो एंट्री ले सकते हैं। ये 99.75 मिलना जरूरी नहीं है, हमें एंट्री करना होगा। जैसे मैंने कहा हमारा ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं भी ऊपर नीचे का प्राइस आपको मिलेगा, वही रेट पे आप एंट्री ले सकते हैं। नीचे जरा देखिए, 219 फर्स्ट टारगेट, 235 सेकंड टारगेट एंड 251 थर्ड टारगेट। तो ये जो भी आप स्ट्राइक लेते हैं ना, सभी में इसी तरह आपको एंट्री एक्सिट सभी वही स्ट्राइक के अंदर आपको मिलेगा। तो आसान ही है फॉलो करना। यहाँ पे देखिए तो ये कंफर्म था और तीनों टारगेट अचीव हो गया। 199 से 99.75 पे एंट्री लिया था, 251। एक लॉट के हिसाब से देखेंगे तो भी हम प्रॉफिट में, एक ही सिग्नल में हम प्रॉफिट। इसके अगर आज का निफ्टी देखेंगे तो सुबह का बाय कॉल में भी हमें प्रॉफिट मिला था, उसके बाद मार्केट डाउन आके पुट ऑप्शन इनसे सुबह का कॉल में भी हमें प्रॉफिट आ गया और पुट ऑप्शन में। मेरे हमारा स्ट्रैटेजी थ्रू फॉलो करना कैसे, मैं आपको दिखाया अभी। फर्स्ट हमें मेन चार्ट को ओपन करना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है वेदर कॉल पे बैठना है या पुट में जाना है। एंड जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, वो स्ट्राइक सेलेक्ट करने के बाद वो स्ट्राइक हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना है। ये ऐड करना कैसे है वो यहाँ से पूरा सिखाएगा एंड इसका ट्यूटोरियल वीडियोस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो भी स्ट्राइक आप लेते हैं उसमें मेन कंफर्मेशन मिलना चाहिए, इसी तरह सिग्नल आरो आना चाहिए, उसके बाद दो कंफर्मेशन चेक करना है। डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस डायरेक्ट से भी सॉफ्टवेयर ही दिखाएगा आपको। स्टॉप लॉस जो दे रहे हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अभी आप देख सकते हैं ऊपर एक रेड वाला एरो, सॉरी रेड वाला एक स्टार आ रहा है, वो सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल है। नीचे ब्लू आ रहा है ना, वो सपोर्ट लेवल है। इसके अंदर अगर आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हो तो कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कलर या ग्रीन कलर, जो भी आप चेंज करना चाहते हो आपके हिसाब से कोई भी चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं, कलर चेंजेस। एंड जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, ये मैंने ये वीडियो बना रही हूँ लाइव मार्केट में, लेकिन आप ये लाइव देखना चाहते हो तो कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आपको 1 डे का ट्रायल मिलेगा, उसमें ऑन कॉल पे आपको पूरा सिखाएगा कैसे फॉलो करना। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम इंस्टॉल करके देगा। एंड ये सेम स्ट्रेटजी अभी मैंने ऑप्शन में दिखाया, लेकिन ये सेम स्ट्रेटजी ऑल मार्केट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्विटीज है, कमोडिटीज है, फॉरेक्स है, एनसीडीएक्स है, कॉमेक्स, पूरा मार्केट सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऊपर देख सकते हैं, टाइम फ्रेम ऑप्शन, आपको जो टाइम फ्रेम भी चाहिए वो टाइम फ्रेम पे इसको सेट भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको दिखाया लाइव, जैसे मैंने कहा लाइव दे, आप लाइव देखना चाहते हो कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।